अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 4 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल, लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 व्हिच इज़ ऑन पेज नंबर 7. यू हैव टू राइट क्लास वर्क डे एंड डेट एट द टॉप ऑफ द पेज. सो कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन 12. राइट नंबर्स डेट मैच द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म. दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म, सो नाउ वी विल कन्वर्ट टू द शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म. So in part A, we have 7 values like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. In 7 values ko aapne rough work mein write down karna hai, proper heading deke one by one. Okay, so inko add karna hai aapne. Add karke answer kya hai? 6,925,027. So answer ko aapne yahan pe write down karna hai. Question 13. Arrange the given numbers in ascending order. Ascending order means arranging number from smallest to greatest. So come to the part A. We have 3 values in part A like 1, 2 and 3. So students, सबसे पहले आपको digit count करने हैं इन 3 values के. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In first value we have 8 digit, in second value we have 8 digit, in third value we have also 8 digit. So students, now हम digit को compare करते हैं left side से one by one, ताकि हम easily understand कर सकें कौन सी value smallest है जिसे हम सबसे first में write करेंगे. So 45,298,653, 45,288,653, 45,308,653. सो 100,000 पे यहाँ पे क्या मेंशन है? 2. इसमें यहाँ पे क्या मेंशन है सेकंड वैल्यू में? 2. और यहाँ पे क्या मेंशन है? 3. इट्स मींस कि जो 3 वाली वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू, सो हम इसको सबसे लास्ट में राइट करेंगे क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं. ओके, सो इट्स मींस कि ये 2 वैल्यूज़ हैं 100,000 में जो कि स्मॉलेस्ट हैं. इनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसे हम फर्स्ट में राइट करेंगे. सो नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिजिट पे जो के हैं 10,000 की प्लेस पे, लाइक 9 and 8. सो इट्स मीन्स कि जो 9 है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू 8. तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई? 45,288,653. इसे हम सबसे फर्स्ट पे राइट करेंगे. सेकंड पे राइट करेंगे 45,298,653 एंड थर्ड पे राइट करेंगे 45,308,653. ओके,